हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंबशन के बारे में। ठीक है, तो कंबशन का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी चीज को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। अब देखो, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या हाइड्रोजन भी जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर सकती है? तो उसका आंसर है यस। ठीक है, तो देखिए कैसे। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करती है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या हमारे पास फॉर्म हो रहा है? H2O। ठीक है, तो इसी पर्पस को देखते हुए, इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को देखते हुए, हम लोग हाइड्रोजन को एज ए फ्यूचर फ्यूल की फॉर्म में जो है वो देख रहे हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, जो बाई प्रोडक्ट इसका मिल रहा है, मतलब जो कंबशन होने के बाद, जो जलने के बाद, जो आग लगने के बाद उसकी अंदर से जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, दैट इज वाटर। ठीक है, प्लस बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि 285.9 किलो जूल पर मोल जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है एक कंबस्टिबल रिएक्शन है, क्योंकि पिछली जो है हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में देखा था कि जो डाइहाइड्रोजन है वो एक कंबस्टिबल गैस है। ठीक है, तो देखो, कंबस्टिबल गैस है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रही है, और हमारे पास जो है क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? वाटर जो है, H2O जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग सिमिलरली हाइड्रोजन की बजाय इसका आइसोटोप ड्यूट्रियम लें तो वो भी सेम रिएक्शन को जो है वो शो करता है, लेकिन हम लोगों ने पीछे वीडियोस में ये देखा हुआ है कि उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, तो अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसके अंदर रिलीज होगी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बट जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पे H2O बन रहा है और यहां पे क्या बन रहा है? D2O बन रहा है, तो ये जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली है इसके अंदर वो क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसको आप लोग रट्टा मार लो। वो क्या कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन है इज हाईएस्ट फॉर अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। इसके कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन का H2, ठीक है, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, मतलब इसके बॉन्ड को जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो हाईएस्ट किसी भी एलिमेंट के अगर दो एटम्स कंबाइन करे हो उससे। ठीक है, मतलब अगर H2 है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाईएस्ट है, चाहे कोई भी दूसरे एटम्स जो है किसी भी एलिमेंट के कंबाइन करें, लेकिन हाइड्रोजन से ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज जो है वो उनकी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग इस चीज को नोटिस करें, इसका ये थोड़ा सा इलैबोरेट हम लोगों ने नीचे किया हुआ है, वो क्या कि 2000 केल्विन पे, मतलब ये बहुत हाई टेम्परेचर जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो 2000 केल्विन पे सिर्फ 0.081% ही हाइड्रोजन जो है वो डिसोसिएट होती है हाइड्रोजन एटम्स के अंदर। ठीक है, और 5000 केल्विन पे, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, यूजुअली लैब्स में इसको अटेन करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, अगर उस पर बात करें तो भी 100% नहीं है, तो भी सिर्फ 95.5% ही हाइड्रोजन जो है इसका मॉलिक्यूल ब्रेक करके हमारे पास दो एटम्स में जो है वो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है हाइड्रोजन की वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होने से आप खुद सोचो कि गैस जो है वो कम रिएक्टिव होगी, तो इसलिए जो हाइड्रोजन है दैट इज इनर्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो अगर हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करें तो जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो यूजुअली इनर्ट है, मतलब यूजुअली जो है वो रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है, इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एटॉमिक हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो अगर हमें देखो, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, तो क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो ये देख लो, बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से या UV रेडिएशन की मदद से जो है H2 मॉलिक्यूल को
2H के अंदर जो है, मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को दो हाइड्रोजन एटम्स में जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये कम्बशन जो है हाइड्रोजन की समझ में आ गई। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर लिखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं गगनदीप उदावन फ्रॉम डिक्की इंस्टीट्यूट, आपका अपना दोस्त, मेरे साथ जुड़े रहें।